वालेकुम मैं हुसन रिहान खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट पर आज की वीडियो है ये क्रोशे के सेलफ़ोन पाउच के हवाले से ये जो तो सेलफ़ोन पाउच मेरे हाथ में है ये स्टैंडर्ड साइज़ का सेल्फोन पाउच है जो कि है 8.5 पॉइंट सिक्सटीन सेंटीमीटर आप इसको अपने फ़ोन के हिसाब से इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं अगर आपको इसकी चौड़ाई बढ़ानी है तो जो मैं आगे पैटर्न बताऊंगी उसमें हम ले लेंगे तकरीबन मल्टीपल ऑफ थ्री हुक साइज़ जो मैंने यूज़ किया है वो है थ्री मिलीमीटर mm, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप बड़ा हुक साइज़ लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ सकती है तो अब आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी चौड़ाई चाहिए इसकी तो आज की वीडियो के लिए आ, आपको जो चाहिए होगा फ़ोर प्लाई मैंने ऊन यूज़ किया है थ्री पॉइंट फाइव थ्री मिली मैंने क्रोशे हुक यूज़ किया है मेरा फ़ोन है हुआवे मेट टेन प्रो और ये देखिए ईजीली इसमें फ़िट हो रहा है तो आप अपने फ़ोन के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितनी चेंज और चाहिए अच्छा सबसे पहले हम यहाँ पे स्लिप नॉट लगाएंगे आपको बेसिक कुरेशिया नहीं आता है तो पहले वो सीख लें ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पंद्रह चेन्स बनाऊँगी अब पंद्रह चेन्स अगर आपके मोबाइल की चौड़ाई के हिसाब से कम है तो मल्टीपल ऑफ़ थ्री आप ले सकते हैं मज़ीद चौड़ाई बढ़ाने के लिए ठीक है और अगर मल्टीपल ऑफ थ्री वाला आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर आप बड़े हुक साइज़ भी कुरेशे का यूज़ कर सकती हैं तो साइज़ में डिफरेंस आएगा पंद्रह फाउंडेशन चेन्स मतलब हम यहाँ पे बनाएंगे पंद्रह चेन्स बनाने के बाद हम आगे क्या करेंगे ये मैं अपनी पंद्रह चेन्स कंप्लीट करने के बाद आपको बताती हूँ तो यहां पर मैंने पंद्रह चेन्स कंप्लीट कर ली हैं पंद्रह चेन्स बनाने के बाद आपने एक चेन बनाई एक्स्ट्रा एक चेन बनाने के बाद जो आपकी सेकेंड चेन है वहां पर आपने बनाने हैं दो सिंगल कुरेशिया एक और ये दो दो सिंगल कुरेशिया बनाने के बाद यहाँ पर जो पहला सिंगल कुरेशिया है उसमें मैं लगा रही हूँ स्टिच मार्कर क्योंकि हमारा काम सिंगल कुरेशिया पे है तो एंड का टाँका हमारा खो सकता है तो स्टिच मार्कर ज़रूर लगाइएगा अब बाकी बची हुई जो तेरह चेन्स हैं उसमें हम एक एक सिंगल कुरेशिया करेंगे आखिरी वाली को छोड़ देंगे यहाँ पर आप लाजमी काउंटिंग करिएगा कि आपके पास एक्यूरेट बीच में ये ते, तेरह चेन्स आनी चाहिए तो हर एक चेन में एक सिंगल कुरेशिया करूँगी टोटल तेरह तो ये कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट आपको बताती हूं कि आगे हमने इसमें क्या करना है तो ये मेरी तेरह सिंगल कुरेशिया कंप्लीट हो गए हैं हर एक चेन में एक और आखिरी चेन में देखिए हम यहां पर आए हैं इसमें हमने बनानी है तीन सिंगल कुरेशिया एक दो और ये तीन तीन सिंगल कुरेशिया बनाने के बाद वापस हम ऊपर की तरफ काम को लेके जाएंगे और जहाँ पर हमने ये एक, एक सिंगल कुरेशा किया था नेक्स्ट तेरह चेंज तक उसी तरीके से हर एक एक में हमने फिर से बनाना है टाँका और गिन लीजिएगा याद से क्योंकि जब हम वापस आते हैं ऑपोजिट साइड पे तो काफ़ी दफ़ा मिस हो जाता है लूप नहीं पता चलता है हमें तो हर एक एक में एक बनाएंगे टोटल आपके पास तेरह होंगे तो ये मेरा काम एंड तक आ गया है और एंड में जहाँ पर मैंने दो सिंगल कुरेशिया बनाए थे वहाँ पर मैं एक और सिंगल कुरेशिया ऐड करूँगी तो तीन एक तरफ हो गए तीन एक को, कोने पर हो गए तो इस राउंड के एंड में आपके पास तैंतीस टांके होने चाहिए पहले वाले सिंगल कुरेशिया में हमने इसको स्लिप स्टिच दे देना है रो नंबर वन हमारी कंप्लीट हो गई है टोटल आपके पास तैंतीस यानी थर्टी थ्री टाँके होंगे नेक्स्ट रो नंबर थ्री शुरू करेंगे एक चेन बना के सेम टांके में हमने एक सिंगल कुरेशिया बनाना है और हर एक टांके में अब हमने इस राउंड में सिर्फ सिंगल कुरेशिया बनाते जाना है ना कोई टाँका बढ़ेगा ना घटेगा बस हर एक टांके में एक सिंगल कुरेशिया बनाते चले जाएंगे टोटल तैंतीस होने चाहिए आपके पास रो नंबर टू है ये तो मैं हर एक टाके में एक सिंगल क्रेशिया बनाकर एंड में आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने आगे क्या करना है तो ये मैंने हर एक टाँके का एक कंप्लीट कर लिया है सिंगल क्रेशिया और वापस आने पर ये मैं पहला जो सिंगल कुरेशिया था उसमें मैं ये स्लिप स्टिच कर रही हूँ इस तरह से रो नंबर थ्री हम शुरू करेंगे एक चेन बनाकर जो सेम स्पेस जहाँ पे स्लिप स्टिच दिया है वहीं पर हम एक सिंगल क्रेशिया बनाएंगे उसके बाद हम एक दो दो चेन्स बनाएंगे दो चेन्स बनाने के बाद आपने दो टाँकों को छोड़ देना है नेक्स्ट और तीसरे टाँके में सिंगल कुरेशिया करना है तो दो चेन्स बनाइए आपने एक सिंगल कुरेशिया बनाने के बाद और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके जो दो सिंगल कुरेशियाँ हैं बीच में एक और ये दो और ये जो तीसरा सिंगल कुरेशिया है इसमें आपने एक सिंगल कुरेशिया बना देना है इस तरह से फिर दो चेन्स बनाएंगे एक और ये दो और ये नेक्स्ट एक दो हमने छोड़ने हैं और तीसरे वाले में हम एक सिंगल कुरेशिया बना लेंगे इस तरह से ये पूरा राउंड हमने इसी तरीके से कंप्लीट करना है कि दो चेन्स बनानी है दो टाँकों को छोड़ के तीसरे टाँके में एक सिंगल कुरेशिया करना है पूरा राउंड इसी तरीके से यह चलेगा बहुत आसान है बेसिक स्टिचेस इसीलिए आपको सीखने के लिए कहे हैं क्योंकि इसमें मैंने बहुत स्लो नहीं सिखाया है ये राउंड नंबर थ्री है आपका तो इसी तरीके से हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है ये देखें ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है एंड में दो चेन्स बनाई और एंड में आपके पास ये देखें एक दो और ये एक यहाँ पर बचा है इसमें हमने ये हुक को ले जाकर एंड वाले में स्लिप स्टिच कर देना है और उसके बाद जो हमारा पहला सिंगल कुरेशिया हमने बनाया था पहला वाला सिंगल कुरेशिया उसमें भी हम स्लिप स्टिच कर देंगे ताकि हमारा काम उसी से शुरू हो सिंगल कुरेशिया से ठीक हो गया ये करने के बाद आपने यहाँ पर हमारा राउंड नंबर फोर शुरू करना है जो कि है एक दो और तीन चेन्स तीन चेन्स बनाने के बाद जो हमारा ये जो गैप है जिसमें ये जो चेन टू का गैप है इसमें हम बनाएंगे तीन डबल कुरेशिया एक दो और तीन अच्छा जो पहले हमने चेन थ्री बनाई है ना वो इसके साथ ही काउंट होगा तो ये चेन इसके बाद हमने तीन बनाया और ये फिर से जो नेक्स्ट चेन टू स्पेस है इसमें हम एक डबल कुरेशिया बनाएंगे एक चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर से जो चेन टू स्पेस है इसमें हम चार डबल कुरेशिया बनाएंगे पहले में हमने तीन इसलिए बनाए थे क्योंकि हमने चेन थ्री बनाया था साथ में तो अगर वहाँ पर भी हम चार बनाते तो काम बहुत ज़्यादा वहाँ पर अजीब सा हो जाता तो ये यहाँ पर चार बना दिए इसके नेक्स्ट जो स्पेस है इसमें हमने एक डबल कुरेशिया बनाना है एक चेन बनानी है और फिर जो नेक्स्ट स्पेस है उसमें चार डबल कुरेशिया बनाना है तो ये राउंड आपने इसी तरीके से पूरा कंप्लीट करना है कि एक स्पेस में चार डबल कुरेशिया नेक्स्ट स्पेस में एक डबल कुरेशिया एक चेन और फिर चार डबल कुरेशिया तो ये राउंड इसी तरीके से कंप्लीट होगा और दोनों तरफ जो है वो तीन तीन ये होंगे बने हुए तो देखिए तीन जो मैंने बनाए तो पहले मैंने चेन ली तो ये तीन काउंट तो वो चार ही हो गया टोटल फिर इसमें हमने एक बनाया फिर एक चेन बनाई फिर हमने चार डबल कुरेशिया बनाया फिर उसके नेक्स्ट वाले में एक डबल कुरेशिया बनाया फिर एक चेन बनाई और फिर उसके बाद हमने चार और फिर उसके बाद वाले में आप एक डबल कुरेशिया एक चेन और फिर इसी तरीके से सेम प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे एंड तक तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ एंड में कि आगे हमने इसमें क्या करना है तो यहाँ पर राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है मेक श्योर कीजिएगा जब आपका राउंड एंड होगा तो एंड में भी आपके पास चार डबल कुरेशी वाला पैटर्न आना चाहिए अगर एक वाला आया है तो आपने कोई गड़बड़ लाजमी की है अच्छा अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक दो तीन तीसरी चेन का जो टॉप है जो हमने चेन्स बनाई थी उससे हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से तो दोनों तरफ आपके ये जो शेल बने हैं ये तीन एक तरफ और ये तीन एक तरफ आने चाहिए ठीक हो गया तो अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू कर रहे हैं राउंड नंबर फाइव ये इस तरह वाला राउंड है कि अब आप इसको कंटिन्यूस लेके चलेंगे तो यहाँ पर एक दो और ये देखिए तीन चेन्स बनाई तीन चेन्स बनाने के बाद ये देखिए नीचे वाली चेन जो हमने बनाई थी तीन उसके उल्टे हाथ पर ये जो जगह है तीन चेन बनाने के बाद मैं जूम करके दिखाती हूँ जहाँ पर हमने पहले तीन टाँके बनाए थे डबल कुरेशिया के उसके और जो चेन थ्री है इसके बीच में देखें गैप है इस गैप के अंदर हमने बनाने हैं तीन डबल कुरेशिया एक हमने चेन थ्री बनाया वो आपका पहला डबल कुरेशिया काउंट हुआ और अब हम यहाँ पर बना रहे हैं तीन डबल कुरेशिया दो तो और तीन तीन डबल कुरेशिया बनाने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपने सिंगल डबल कुरेशिया बनाया है इसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल कुरेशिया ऊन लपेटेंगे हुक पर और ये आगे से इस तरह से टांके के लेके जाएंगे हुक को इसके बैक से लाते हुए सेंटर से और फिर यहाँ से हमने ये ऊन लिया और जिस तरह नॉर्मली हम डबल कुरेशिया करते हैं पहले दो सिरों से और फिर दो सिरों से निकाल लेना है मैंने फ्रंट पोस्ट की भी काफ़ी वीडियोस डाली हैं बेसिक्स में आप वो भी सीख लीजिए तो ये देखिए ये एक उभरा हुआ स्टिच है अब जो फ्रंट पोस्ट हमने बनाया इसके बाद ये जो जगह बनी है यहाँ पर इस जगह के अंदर हमने बनाने चार डबल कुरेशिया ठीक है फ्रंट पोस्ट के बाद स्पेस है इस स्पेस में अब हम बनाएंगे चार डबल कुरेशिया एक दो तीन और चार चार डबल कुरेशिया बनाने के बाद फिर से आप देखेंगे कि ये आपका एक टाँका आ गया जो हमने अलग से बनाया था तो फिर से हमने फ्रंट पोस्ट डबल कुरेशिया करना है हुक को इस तरीके से ले जाते हुए टाँके के बैक साइड से आपने ये फ्रंट पोस्ट डबल कुरेशिया कर लेना है और फिर इसकी जो साथ वाली जो स्पेस है इस स्पेस में हमने फिर से चार टाके बना लेने हैं तो पूरा राउंड एक्चुअली आपने इसी तरीके से चलाना है सेम इसमें कोई मुश्किल नहीं है देखने में आपको लग रहा होगा लेकिन जब आप करेंगे काम तो ये बहुत आसान है तो ये राउंड इसी तरीके से पूरा कंप्लीट होगा तो ये देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है एंड में मैं आ गई हूँ और एंड में एक हमारा पोस्ट स्टिच रहता है तो ऊन लिया और पिछले राउंड का आप देखेंगे जो चेन थ्री था हमारा पिछले राउंड में जो चेन थ्री है इसके बैक से ले जाते हुए हमने फ्रंट पोस्ट स्टिच हमारा जो आखिरी पोस्ट है वो लाजमी करना है ठीक है और उसके बाद जो आपने पहला टांके पर जो चेन थ्री बनाई है उसकी टॉप वाली चेन थ्री पर आपने स्लिप स्टिच कर देना है अब आपने इसी राउंड को बार बार कंटिन्यू रिपीट करते जाना है करते जाना है जब तक कि आपको जितनी लेंथ चाहिए अपने मोबाइल के लिए उतनी आपने लेंथ बढ़ानी है मैं अभी आपको फिर से एक बता देती हूँ एक दो तीन चेन्स आपने बनाई तीन चेन्स बनाने के बाद ऊन लिया और एक दो तीन चार चार स्टिच बैक ये देखेंगे जो तो जगह है आपकी स्पेस यहाँ पर बनी हुई इसमें हमने डबल कुरेशिया करने तीन क्योंकि एक हमने चेन थ्री बनाई है अच्छा इससे पहले वाले राउंड में मैंने पिछले राउंड की चेन थ्री के बीच में बनाया था लेकिन इस राउंड से अब यही कंटिन्यू होगा ठीक है कि चेन थ्री के पहले वाले स्पेस में आपने बनाना है फिर ऊन लिया और जो फ्रंट पोस्ट का हमारा टाका था उस पर आपने फिर से ये फ्रंट पोस्ट डबल कुरेशिया कर दिया इस टाके के साथ जो उल्टे हाथ पे देखिए स्पेस बनी है इसमें आपने फिर से चार टांके बना दिए एक दो तीन चार और फिर से उसके बाद जो फ्रंट पोस्ट है हमारा डबल कुरेशिया का उस पर आपने फिर से आकर ये फ्रंट पोस्ट डबल कुरेशिया कर दिया तो इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी तरीके से आपने कंटिन्यूसली इसको बस काम को बढ़ाते जाना है बढ़ाते जाना है जब तक कि आपको लगे कि आपके फ़ोन के हिसाब से इसकी हाइट जो है लेंथ जो है इसकी बिल्कुल सही पड़ रही है तो ये जो पोस्ट के साथ देखिए जो स्पेस है फिर से मैं इसमें चार डबल कुरेशिया बना रही हूँ एक दो तीन और चार और फिर से हमारा घूम के हम आ गए नेक्स्ट ये जो पोस्ट है हमारा यहाँ पे हमने फ्रंट पोस्ट करना है फ्रंट पोस्ट डबल कुरेशिया और फिर उस पोस्ट के साथ जो स्पेस है वहाँ पे हम चार डबल कुरेशा करेंगे तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा इजीली फिर भी कुछ इशू है तो आप मुझसे लाजमी कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ज़रूर जाइए वहाँ पे मेरा ऑनलाइन स्टोर है तो प्लीज़ ज़रूर उसको आप फॉलो कीजिए ठीक है तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट तो यहाँ पर देख लीजिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी एक दो तीन चार ये देखिए तीन जो है स्टार्टिंग के इसके बाद जो एक्स्ट्रा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह राउंड्स मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं फ़ोन की लेंथ के लिए और फिर आप इसको ख़त्म करने से पहले मतलब वाइंड करने से पहले आप स्लिप स्टिच देने से पहले एक दफ़ा फ़ोन को बस इस तरह से अपने इसमें कवर में डाल के देख लें कि ये बिल्कुल सही आ रहा है छोटा तो नहीं है वरना एक और रो बना लें इस तरह से तो ये बिल्कुल सही आ रहा है इससे बड़ा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ऊन स्ट्रेच भी होता है और फिर आपने बस कुछ नहीं करना काम को वाइंड करने के लिए बस ये जो आखिरी वाला है हमारा एक दो तीन चेन्स हैं उसमें आपने ये स्लिप स्टिच किया एक चेन बनाई और ऊन को आपने काट देना है और उसके बाद जो आपकी ये जो टेल्स हमारी जो होती हैं जो सिरे होते हैं ऊन के बस उसको आप सिंपली सी लें और इसमें आप हीरे मोती अगर कुछ लगाना चाहते हैं ऊपर से कुछ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं कुंदन तो वो भी लगा सकते हैं तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें अगर आप कोई आइडिया देना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे आइडिया दें मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी यूट्यूब प्रोफाइल पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर अल्लाह हाफिज़